नमस्कार, स्वागत है आपका ईएन हिंदी पर। आज है 23 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के कितने परसेंट चांस है? इस साल के अंत में नवम्बर अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एमएलए के लिए आप वोट करोगे और उसमें आपको क्या लग रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के कितने परसेंट चांस आपको लग रहे हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल और गैस के बड़े दाम। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिगड़ती स्थिति का असर हिमाचल में भी पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर प्रदेश के सभी वर्गों पर पड़ेगा। गैस कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल में घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर में 8 रुपए की कटौती हुई है। पिछले महीने जहां घरेलू गैस सिलेंडर होम डिलीवरी के साथ 1,001.75 रुपए में मिला था, वहीं अब घरेलू गैस सिलेंडर 1,051.75 रुपए का उपभोक्ताओं को मिलेगा, वहीं व्यवसाय गैस सिलेंडर 2,177 रुपए में मिलेगा। गैस के दामों में पिछले 4 माह से लगातार हो रही बढ़ोतरी से पहले ही लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है, वहीं एक बार फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी से ये बजट और बिगड़ जाएगा। एचआरडीसी की बीओडी बैठक में बड़े फैसले, कर्ज लेकर 205 बसें खरीदेगा निगम, अनुबंध पर आएंगे पीएसएमएल वर्कर। प्रदेश के परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरडीसी बैंक ऋण लेकर 205 नई बसें खरीदेगा। इन बसों के लिए ऋण लेने के लिए राज्य सरकार बैंक गारंटी देगी। एचआरडीसी शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं से बस अड्डे और पार्किंग के लिए जमीन लेगी। इसके लिए इन संस्थानों से वार्ता की जाएगी ताकि उनको लाभांश भी दिया जा सके। निगम के पेंशनरों को 207 करोड़ का भुगतान पेंशन और स्वास्थ्य बिलों का किया है। निगम के कर्मचारियों को समय समय पर वित्तीय लाभ दिए जाते रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की मंगलवार को पीटर ऑफसेमला में आयोजित बैठक के बाद मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सचिवालय परिसर में प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। शिमला से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए चलेगी टेम्पो ट्रैवलर। शिमला से पीजीआई चंडीगढ़ के लिए बुधवार यानी आज से हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरडीसी टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू करने जा रहा है। मंगलवार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने विधानसभा से आईजीएमसी पीजीआई चंडीगढ़ टेम्पो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया है। एचआरडीसी इस रूट पर 24 सीटर टेम्पो ट्रैवलर का संचालन करेगा। शिमला आईजीएमसी से ये टेम्पो सुबह 5:30 बजे रवाना होगा। दिल्ली से संजोली भट्टाकुफर महली मलियाना बीएससी कलेनी और टोलैंड होते हुए टेम्पो ट्रैवलर ओल्ड बस स्टैंड पहुंचेगा। ओल्ड बस स्टैंड से पीजीआई के लिए सुबह 6 बजे रवाना होगा। 9 बजे पीजीआई न्यू ओपीडी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, निशान साहिब के प्रति पूरा सम्मान पर भिंडरांवाले का चित्र होना दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रतिबंधित झंडों के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों का मुद्दा पंजाब सरकार के समक्ष उठाया गया है। पर्यटक झंडे लगाकर घूम रहे थे, इसकी डिटेल मांगी गई कि ऐसा करने की वजह क्या बनी। जयराम बोले, निशान साहिब के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन जिस तरह से और चीजों का जिक्र हुआ है, बेचिंता का विषय है। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती। भिंडरांवाला का चित्र होना कुछ और चीजों का भी जिक्र होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल में स्कूल और कॉलेज के मेधावियों को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लेगे लैपटॉप। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 19,847 मेधावियों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह से लैपटॉप मिलना शुरू हो जाएंगे। लैपटॉप खरीद के लिए चयनित कंपनी 1 अप्रैल से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लैपटॉप की सप्लाई पहुंचाने का काम शुरू कर देगी। सरकार ने प्रति मेधावी 41,550 रुपए की कीमत के लैपटॉप देने का फैसला लिया है। प्रधान सचिव शिक्षा डॉक्टर रजनीश ने बताया कि जल्द ही शिक्षण संस्थानों में लैपटॉप वितरण कर दिए जाएंगे। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 की मेरिट सूची में शामिल 10वीं और 12वीं कक्षा के 18,019 और कॉलेजों के 1,828 मेधावियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है। स्मार्ट सिटी परियोजना, सीएम ने ठोस अवशिष्ट के परिवहन के लिए 15 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला शहर के ठोस अवशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाहनों से कचरों को निष्पादन क्षेत्र तक ले जाने की सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला को 34 वाहनों में से 15 वाहन प्राप्त हो गया है, शीघ्र ही शेष वाहन भी मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कचरे के कुशल प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए इन वाहनों में GPS की सुविधा भी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये वाहन 5,44,00,000 रुपए की लागत से खरीदे गए हैं। इन वाहनों को नगर निगम शिमला के विभिन्न वार्डों में तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरा संग्रहण वाहनों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डिब्बों में एकत्रित किया जाएगा। प्रत्येक वाहन में एक अलग से संग्रहण टैंक भी लगाया गया है। हिमाचल में 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षक होगी नियमित, विभाग ने उपनिदेशकों से मांगी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश जारी कर 31 मार्च 2022 को 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा कर रहे TGT शिक्षकों का ब्यौरा भेजने को कहा है। उपनिदेशकों को 5 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र पर इन शिक्षकों की जानकारी, अनिवार्य शैक्षणिक प्रोफेशनल योग्यता प्रमाण पत्र, डिग्री व चरित्र प्रमाण पत्र, वर्क एंड कंडक्ट प्रमाण पत्र के साथ निदेशालय को भेजना होगा। भाजपा महिला मोर्चा मनस्वी कार्यक्रम खेल और सामाजिक सरोकार में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाएं सम्मानित। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा ने मनस्वी कार्यक्रम करवाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न जिलों में शूटिंग, योग, कैंसर मरीजों, हथकरघा, एकल महिलाओं के लिए बेहतर काम करने वाली 56 महिलाओं को सम्मानित किया। इससे पहले CM जयराम ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, प्रदेश महिला मोर्चा की महासचिव वंदना गुरेरिया को पुष्प गुच्छ, टोपी और शॉल देकर सम्मानित किया गया। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए नहीं होगी 12वीं के नंबरों की जरूरत, सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट ही मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन। देश के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन 12वीं के अंकों के आधार पर नहीं बल्कि सिर्फ एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के आधार पर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी 45 केंद्रीय विद्यालयों के लिए ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में CUET का आयोजन किया जाएगा। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA आयोजित करेगा। इस टेस्ट का पैटर्न जल्द जारी किया जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। UGC इस संबंध में जल्द ही विस्तृत सूचना जारी करेगी। हिमाचल के अस्पतालों की निजी लैबों में निःशुल्क हो गए 233 प्रकार के टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल परिसरों में स्थापित निजी लैब में 56 नहीं बल्कि 233 टेस्ट निःशुल्क हो गए। सरकार ने मुफ्त होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है। अस्पतालों में 1 अप्रैल से मरीजों को ये सुविधा दी जानी प्रस्तावित है। अस्पतालों में अभी SR लैब को ये जिम्मा दिया गया है। इस कंपनी का टेंडर खत्म हो गया है, सरकार ने दूसरी कंपनी को टेंडर दिया है। कंपनी अधिकारियों को आधारभूत ढांचा स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, ऊना में सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 23 मार्च से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 और 24 मार्च को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी और अदर का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 26 तक मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 25 मार्च से मौसम साफ रहने के आसार है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने 23 और 24 मार्च को शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर सोलन से, सोलन के नालागढ़ में झाड़फूंक के नाम पर तांत्रिक ने 2 युवतियों से किया दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में बागवानी के कंस बुवाल के तांत्रिक पर नाबालिग और एक युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तांत्रिक ने झाड़फूंक करवाने की बात कहकर 15 मार्च को महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अपने डेरे पर बुला लिया। इस दौरान तांत्रिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही पीड़िता को ये बात किसी को ना बताने के लिए धमकाया था। स्वर्ण आयोग न्याय की हिरासत में भेजे क्षत्रिय संगठन के 6 पदाधिकारी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के 6 पदाधिकारियों को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 6 लोगों को न्याय की हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं।
जबकि दो लोगों को कस्टडी ट्रांसफर किया गया है। क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारियों पर पुलिस ने दो अलग अलग मामले दर्ज किए थे। कस्टडी ट्रांसफर किए गए दोनों पदाधिकारियों को हत्या के प्रयास के केस से अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, उपद्रव मचाने व जाम लगने के केस में ट्रांसफर किया है, जबकि एक व्यक्ति को अदालत ने जमानत दे दी है। इससे पहले देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमी सिंह ठाकुर सहित उनके दोनों साथियों मदन और दीपक को पुलिस रिमांड के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। पेयजल संकट के मुद्दे पर कांग्रेस उग्र, महापौर कार्यालय के बाद दिया धरना। नगर निगम चुनाव से पहले ही शिमला शहर में पानी की किल्लत को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी और ग्रामीण संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को महापौर कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में रोजाना पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। इस दौरान सरकार व नगर निगम प्रशासन के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने शिमला नगर निगम व जल निगम बोर्ड की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। अप्रैल से स्कूलों में कोरोना बंदिशों में मिल सकती है छूट। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में लगी कोरोना बंदिशों में अप्रैल से छूट मिल सकती है। प्रार्थना सभाओं, खेल कूद सहित अन्य गतिविधियों को शुरू करने का शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले घटने पर सरकार शिक्षण संस्थानों में राहत देने की तैयारी में है। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में बीते दो वर्ष तक कई माह तक स्कूल बंद रखे गए थे। स्कूलों को बंदी से लगाकर समय समय पर खोला गया। अब कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर सरकार ने शिक्षण संस्थानों में भी बंदिशों को हटाने के लिए योजना बनाना शुरू कर दी है। करसोग में निजी क्लिनिक पर पुलिस का छापा, प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद। हिमाचल प्रदेश की करसोग पुलिस ने डीएसपी गीतांजलि ठाकुर की अगुवाई में व्यंथल में एक स्थानीय क्लिनिक में छापेमारी की। इस दौरान तलाशी करने पर पुलिस के हाथ प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप हाथ लगी है। यानी झोलाछाप डॉक्टर के पास ना तो दवाइयां बेचने का लाइसेंस था और ना ही कोई डिग्री थी। ऐसे में लंबे समय से झोलाछाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयों को कब्जे में लेकर क्लिनिक को भी सील कर दिया। करसोग में बढ़ते नशीली दवाइयों के कारोबार को लेकर मिल रही शिकायतों पर ये कार्रवाई की गई है।